पहले की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर आजसू पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में न्याय मार्च निकाला गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के आलोक में बोकारो जिला आजसू पार्टी की ओर से ओबीसी आरक्षण को पूर्ववत करने की मांग को लेकर बोकारो में भी न्याय मार्च निकाला गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव साधु शरण गोप और आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गा चरण महतो की अगुवाई में निकली यह न्याय मार्च बोकारो के हवाई अड्डा चौक से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल आजसू समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल ही उपायुक्त कार्यालय तक इस न्याय मार्च के जरिए पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय में यह न्याय मार्च प्रदर्शन आम सभा में तब्दील हो गई। इस न्याय मार्च के क्रम में बोकारो के उपायुक्त कार्यालय पहुंचने से पहले आजसू पदाधिकारी सदस्य समर्थक हवाई अड्डा के समीप एकजुट हुए, जहां से सभी अपने नेता साधु शरण गोप और दुर्गा चरण महतो की अगुवाई में मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने से जुड़ा मांग पत्र जिला उपायुक्त को उनकी ओर से सौंपा गया। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के बाद अपने संबोधन में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गा चरण महतो ने कहा कि ओबीसी से जुड़े आरक्षण पर सरकार को पुनः गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आरक्षण की मांगों को लेकर पिछड़ा महासभा की ओर से ये धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे अखिल झारखंड पिछड़ा महा, जब हमारा बिहार था उस समय हमें 7-10% आरक्षण मिलता था। आज 129 जातियों को जब अलग राज हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो हमारे मांगों को कार के 2-2% कर दिया गया है। 13% ये उपेक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीसी के माध्यम से राज्य सरकार को हम लोग जानना चाहते हैं कि यदि पिछड़ों की आवाज को अनाकानी के सुनने में तो कभी पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साथ ही हम कहना चाहेंगे क्या
में हमारे आयसू पार्टी के साहब अखिल झारखंड वर्ग महासभा के बैनर तले पूरा राज्य स्तर में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हमारा ये हक है कि हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये पिछड़े का हुंकार है, पिछड़े का ये हुंकार है। तो साथी हम तो वहीं अपने संबोधन में आयसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव साधु शरण गोप ने भी ओबीसी आरक्षण को पहले की तरह ही 27% करने की मांग रखी, ताकि इस वर्ग के लोग भी विकास की दौड़ में जो पिछड़ते जा रहे हैं वह रुक सके। महासभा का आज राज्यव्यापी कार्यक्रम है, पूरे राज्य के 2400 जिलों में ये न्याय मार्च और प्रदर्शन होने जा रहा है। ये प्रदर्शन का उद्देश्य है, बिहार में रहते हुए पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिल रहा था, झारखंड राज्य अलग बनने के बाद 13% काटकर मात्र 14% दिया गया है। ये मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित और संवैधानिक है, लेकिन झारखंड में पिछड़ों के सहजता को और उनके सहनशीलता को चुनौती देते हुए 13% काट लिया गया है। ये प्रकाष्ठा है, इस अन्याय के खिलाफ पिछड़ा वर्ग पूरे राज्य में आज सड़क पर आए हैं। ये अन्याय इसलिए है कि यही तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा आरक्षण करने के लिए भारतीय संविधान का 9वें सूची को प्रयोग करते हुए संविधान ये आरक्षण को 50% से बढ़ा के 69% कर दिया है, लेकिन झारखंड में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके नाम पर मात्र 14% दिया जा रहा है। ये अन्याय पिछड़ा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सड़क पर पिछड़ा वर्ग आ चुका है, न्याय लेकर।